कितने सुरक्षित हैं हमारे संभल के अस्पताल? तीक्ष्ण गर्मी में यदि लग जाए आग, तब क्या आग बुझाने के उपकरण कर पाएंगे काम? कहीं ऐसा तो नहीं अनुभवहीन होने के चलते वक्त पर ही धोखा दे जाए उपकरण? दिल्ली में चाइल्ड केयर यूनिट में हादसे के बाद संभल का अग्निशमन विभाग आया हरकत में। ऊपर अस्पताल तो नीचे संचालित है मॉल। संवाददाता उमेश गुप्ता की रिपोर्ट। सर, दिल्ली राजस्थान में घटना होने के बाद अग्निकांड या संभल में भी आप जो है कोशिश कर रहे हैं, किस तरह की व्यवस्थाएं लेके जा रहे हैं? दिल्ली राजस्थान में जो घटना हुई उसी चीज़ को संज्ञान में लेते हुए भारत सर्विस, यूपी भारत सर्विस के उच्च अधिकारी के संज्ञान के कप्तान अपने पुलिस अधीक्षक महोदय और अपने डीजी फायर सर्विस सीएफओ संभल के निर्देशन में अभियान चलाया जा रहा है कि जहाँ जहाँ हॉस्पिटल मॉल आपके हैं इनमें जो फायर की व्यवस्था है उनको सुधार कराए। यहाँ सूरत प्लाजा में मॉल भी है यहाँ पर एक तरह से, और दूसरा अस्पताल चल रहा है ऊपर डॉक्टर अरविंद जी का, तो कैसी व्यवस्था यहाँ पर देखी गई? यहाँ के जो लोग हैं क्या वो अनुभवहीन हैं या अनुभव है उन्हें कुछ? देखो जो जो मॉल और हॉस्पिटल के हिसाब को ही लेके हम लोग इनकी जो फायर सर्विस व्यवस्था उस जो अग्निशमन व्यवस्था हम लोगों ने करा रखी उसी को चेक कर रहे हैं, और उसमें जो इनको कमी पाई गई उनको हम सही कर रहे हैं। अभी जो उपकरण आपने देखे हैं उसका जो नोजल है वो भी नहीं खुल पा रहा है, नीचे पानी बह रहा है बराबर, मतलब चल नहीं रहा है, क्या नहीं? ये जो नोजल नहीं चल रहा है उसी चीज़ को हम लोग देख के इनको वही तो चेक हम लोग कर रहे हैं। नोजल है, पाइप है, सब चीज़ है, लेकिन वो काम नहीं कर रहा है। पहले कहीं बाल लीक है, कहीं कुछ है, उस चीज़ को सही कराने के लिए हम लोग लगे। पहले भी आप जांच कर चुके हैं यहाँ पर, तो उस वक्त भी आपने कुछ ना कुछ निर्देश दिए होंगे, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं? पहले भी किया तो पहले भी सही, जब पहले करा है उसी के हिसाब से सही हुए। ठीक, और आज जो कमी पाई जा रही है वो सही कराई।